नो यस नो कब गेट कच्चा नहीं कुछ भी पक्का ना फिर भी होता है जो कुछ भी सब खेल है गोल्डी प्लीज इतना डांस मत कर वरना तू बेहोश होके गिर जाएगा करने दो ना उसे तुम्हारा क्या जाता है गिल्ली इसे रैप करके लगा के तू नहीं पांची छोड़ दे गोल्डी अभी से तू प्रैक्टिस शुरू मत कर अभी तो हम लोग ने डिसाइड भी नहीं किया है लेकिन मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि हम सब डांस कंपटीशन में पार्ट लेंगे नहीं कितना हिलना पड़ता है और वैसे भी आज तक जो मैंने खाया है वो सब हिल हिल के बाहर आ जाएगा शट अप मोटू चश्मिश स्टॉप गिल्ली हम डांस कंपटीशन में हिस्सा ले ही लेते हैं बहुत मजा आएगा गिल्ली तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते प्लीज गिल्लू नहीं बॉस ये तो तुम लड़कियों का काम है ये मर्दों का काम नहीं है और फिर भी मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और नहीं तो क्या ये बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लो ये डांस वंस क्या है ऋतिक रोशन भी तो डांस करता है लेकिन मैं ऋतिक रोशन नहीं हूँ रिंकी अब तुम 2 मिनट के लिए अपनी चपड़ चपड़ बंद करो गिल्ली हम हमेशा तुम्हारी बात सुनते हैं और उसे मानते भी हैं क्या तुम हमारी एक बात नहीं सुन सकते क्या तुम हमारे लिए डांस नहीं कर सकते तानिया स्टेप देखो ना कितनी अच्छी है देखो तानिया देखो ना तानिया देखो ना बहुत अच्छी स्टेप है तानिया तानिया देखो ना कितनी अच्छी तानिया देखो ना तानिया देखो ना अच्छी स्टेप है तानिया देखो ना तानिया तानिया देखो यू शट अप गोल्डी हम दोनों बात कर रहे हैं ना और गिल्ली अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं डांसिंग भी एक करियर ऑप्शन है करियर ऑप्शन का भी बहुत टाइम है शट अप यू शट अप अपना रास्ता नापो अरे स्टूपिड हम दोनों एक ग्रुप में गिल्ली प्लीज डांस करो ना हम आसानी से जीत जाएंगे नो लड़के भी तो डांस करते हैं फिर भी डांसिंग इज फॉर गर्ल्स माय फुट फिर भी होता है तुम लोगों की भी अच्छी स्टेप थी शट अप गोल्डी गिल्ली तुम समझते क्या अपने आप को ये समझता अपने आप को शट अप गिल्ली मैं ये ग्रुप छोड़ के जा रही हूँ ऐसे ग्रुप होने से अच्छा तो ग्रुप ना हो वही ठीक है ज्यादा लेक्चर मत दो तुम्हें डांस करना है तो जाके डांस करो हमें ये डांस वर्क नहीं करना है हाँ गिल्ली चलो कुछ खाते हैं टेंशन की वजह से मुझे भूख और लगती है मैं भी जा रही हूँ चलो चलो अब शांति से डांस करता हूँ कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं फिर भी होता है जो कुछ भी सब खेल है ए पंछियों खबरदार मेरे पौधे खराब किए तो नीचे आ अरे नहीं तुम्हारी तंदूरी बनाई ना तो मेरा नाम भी प्रकाश ढांडा नहीं राइट अंकल अंकल मैं भी तंदूरी खाऊंगा चुप पौंछी अंकल हाउ आर यू आप कैसे हो अभी तक तो अच्छा था आगे का पता नहीं अरे वाह क्या ट्यूनिंग है तुम्हारी हा? क्या काम क्या है और बाकी बंदर कहाँ है अंकल हमारा उनके साथ झगड़ा हो गया और वो घर चले गए क्यों क्या हुआ क्यूँकी डंडा अंकल वो लोग डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने चाहते हैं और अंकल मुझे और पौंछी को डांस बहुत बोर लगता है अरे ऐसे कैसे बोर होता है तुम्हें देखो डांस एक अच्छी बात है सब लोग नाचते हैं मैं भी नाचता हूँ इंसान भी नाचता है अब पंछी नाचते हैं पौधे नाचते हैं नाच एक कला है इट इज वेरी डिफिकल्ट अंकल फिर भी मुझे और पौंछी को डांस बहुत बोर लगता है कभी जिंदगी में नाच किया है तुमने नहीं तो कैसे बोर लगता है अरे नाचना एक कला है ये अच्छी बात है इंसान खुश हो जाता है उससे चलो लेट्स ट्राई हाँ एक दो तीन हे इना मीना डिसा हे डाइडा मानिका गिल्ली पहले ही बता दिया होता कि डंडा अंकल ग्रुप में चाहिए हम ना थोड़े ही ना कहते या फिर तुम बता देते कि तुम तीनों का ग्रुप है जो भी हो डंडा अंकल हम तो सिर्फ ये बताने आए हैं कि मैं रिंकी और गोल्डी डांस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं गिल्ली और पौंछी भी तुम्हारे साथ है अंकल हमें सेल्फिश लोगों की जरूरत नहीं है हम सिर्फ इतना पूछने आए थे कि हम कौन से गाने पे डांस करें फ्रेंड्स वी आर सॉरी हम सब साथ में डांस करेंगे अरे दैट्स द स्पिरिट लेकिन गाना कौन सा कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना hey! कोई कहे
डांस लिक ऑन होगा। हम लोग एंट्री लेंगे और जंप मार के ये पोज लेंगे। गिल्ली, एंट्री की क्या जरूरत है, हम पहले से भी तो स्टैचू बन सकते हैं। ओ मैडम, ये डांस कंपटीशन है, कोई स्टैचू कंपटीशन नहीं है। मैं क्या कहती हूँ गिल्ली, हम हाथ के बजाय सिर्फ चेहरा टर्न करेंगे। हाँ, बट विदाउट एंट्री। एक मिनट, मैं जो कहता हूँ वो सीधो, हम ऐसे खड़े रहेंगे। अरे गोल्डी, ये तो एकदम सिंपल है, ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो कुछ तू ही करके दिखाना, माइकल जैक्सन। ए! मैं बताती हूँ, म्यूजिक शुरू होने से पहले हम ऐसा पोज देंगे और म्यूजिक शुरू होने के बाद हम ऐसा पोज देंगे। एक्सक्यूज मी, कहीं ये सर्कस तो नहीं? शट अप, ये ऐसा पोज देंगे। फ्रेंड्स, मेरी बात सुनो, हम लोग इन पोशन पहले करते हैं। हाँ, लेकिन गिल्ली, वो जो स्टार्टिंग का पोशन है ना, उसमें एंट्री इतनी अच्छी नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, कितने बड़ी हो। अरे क्या हो रहा है, मिलकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तुम? डंडा अंकल, यहाँ पे मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। सब लोग सजेशन दे रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। किसी एक को कोरियोग्राफर बनाओ ना। वो क्या होता है? अरे स्टूपिड, डांस डायरेक्टर जो डांस सेट करता है। लेकिन डंडा अंकल, हम में से ये बनेगा कौन? यहाँ पे तो सबको सजेशन देना है। एक मिनट, देखो कल हम डांस कॉम्पिटिशन रखते हैं, जो जीतेगा वो कोरियोग्राफर बनेगा। ओके? ओके। जाओ अपने अपने घर जाओ और प्रैक्टिस करो। जाओ जाओ, बाय। अंकल, मैं आपके घर प्रैक्टिस करने के लिए आऊं? नहीं डंडा अंकल, नहीं। स्टार्ट करूं? हाँ, शुरू करो तानिया। झांझरे रुंचुन रुंचुन। डंडा अंकल कैसा था? लीडर तो मैं ही बनूंगी ना। अरे बाकी लोग भी तो है अभी बाकी। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। कुछ नाचना नहीं आता तुम्हें, सिर्फ लोगों की बैंड बजाते हो। आलसी है तू, आलसी। अंकल, अगर आपने मुझे खाना नहीं दिया तो ये फटका मैं जिंदगी भर याद कर करके रोते रहूंगा। ए, धमकी मत देना, जाओ पीछे जाओ। Who is next? अरे बाप रे गोल्डी, ये क्या। मैं तुझे समझाता हूँ, जैसे क्रिकेट मैच में कैप्टन होता है ना, वैसे डांस कॉम्पिटिशन में तू हमारा कैप्टन है। तू जैसे ही कहेगा वैसा ही हम लोग करेंगे। सच? चलो गुलाटी मारो। क्या? अरे अभी तो तुमने कहा कि जैसा मैं कहूँगा वैसे तुम करोगे। चलो गुलाटी मारो। गोल्डी, तुम हम लोगों को डांस सिखाओ, जैसा तुम कहोगे वैसा हम लोग डांस करेंगे। गोल्डी, मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ और तू हमें सिखा कि कैसे डांस करना है। ओके। गोल्डी गोल्डी, मैं कुछ कहूँ, हम जो पहला वाला स्टेप कर रहे थे ना, उसे रिपीट करें तो चलेगा? चलेगा। Why not? Start. One, two, three, start. तानिया और इनकी कौन से ग्रुप में है? नहीं, गोल्डी को तो ग्रुप की जरूरत ही नहीं है, अकेले नाचता रहता है। जब डंडा अंकल को पता चलेगा कि हम लोग ने झगड़ा किया है तो उदास हो जाएंगे। हाँ तो चलो फिर गोल्डी के साथ नाचते। लेकिन पौंची तानिया नहीं है, रिंकी नहीं है, डंडा अंकल को तो जरूर पता चल जाएगा। हाय तानिया, रिंकी, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? हम तो बोर हो गए। वैसे तानिया रिंकी, तुम लोग कौन से गाने पे डांस कर रही हो? एक्चुअली गिल्ली, हमें किसी ने अपने ग्रुप में नहीं लिया, प्लीज गिल्ली मुझे डांस करना है। इट्स ओके रिंकी, गोल्डी का चलो उसका ही डांस देखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग गोल्डी के साथ ही डांस करते हैं। नहीं नहीं गिल्ली, बहुत देर हो चुकी है, डंडा अंकल हमारा डांस देखने आने वाले हैं। डोंट वरी तानिया, सब आराम से हो जाएगा। राइट गिल्ली, मैंने जो सजेशन दिया था हम वैसा करते हैं, जल्दी हो जाएगा। नहीं, वैसे मेरा सजेशन भी बुरा नहीं था। रिंकी का सजेशन तानिया से बहुत अच्छा था। प्लीज, मेरा सजेशन भी अच्छा था। ओके, मेरा अच्छा था। मेरा 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 प्लीज प्लीज प्लीज। अब फिर से
जाकर झगड़ा मत करो, चलो गोल्डी के पास चलते हैं। हाँ। वो कितना अच्छा डांस करते हैं, यू नो 50-60%। 0%। अभी तक तुम लोगों को गाना भी याद नहीं हुआ है, जंपिंग भी ठीक से नहीं करते हो। ओह गॉड, तो हम करें क्या? प्रैक्टिस। लेकिन गोल्डी अभी थोड़ी देर में डंडा अंकल आते होंगे, अगर उन्होंने हम लोगों का डांस देख लिया तो वो तो बेहोशी हो जाएंगे और फिर से कहेंगे गिल्ली ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बराबर है। एक मिनट, हम उन्हें कह देंगे कि हमारी प्रैक्टिस अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, और अगर उन्होंने पूछा कि हमारी प्रैक्टिस क्यों नहीं हुई है तो क्या देंगे? कि हमें डांस नहीं आता है। फ्रेंड्स, मैं डंडा अंकल से झूठ नहीं बोल सकता, प्लीज। तो एक काम करते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं, चलो फास्ट। गोल्डी मेरे दोस्त, मैं मर जाऊंगी। चॉकलेट ये लो तुम्हारे लिए, ये लो तुम्हारे लिए, गिल्ली ये लो, पंछी ये लो। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ से तुम्हारा डांस देखता हूँ, ओके? तुम प्रैक्टिस करो, चलो मैं देखता हूँ। गिल्ली अब क्या करें? आइडिया, गोल्डी तू आगे अच्छी तरह से डांस करना। सर जी मैं अच्छा ही डांस करता हूँ। वो तो हमें पता है गोल्डी, हम तेरे पीछे जितना हो सके उतना अच्छा डांस करेंगे। और याद है डंडा अंकल ने क्या कहा था? The show must go on, ओके? गिल्ली मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। Shut up, रिंकी। रेडी, चलो चलो। हेलो एवरीबॉडी, अब आपके सामने डांस पेश करने जा रहे हैं गिल्लीज क्लब। वेरी गुड, आइए प्रैक्टिस करो। गिल्ली, शो के लिए सिर्फ 1 घंटा बाकी है, मैं खुद अपना डांस नहीं देख सकती तो ऑडियंस क्या देखेगी? अरे लोग हमारा डांस कहाँ देखने वाले, लोग तो गोल्डी का डांस देखेंगे। फिर भी वो कल से इतनी प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे तो लगता है कि वो नाच नाच के बेहोश हो जाएगा और लोगों को हमारा भद्दा डांस देखना पड़ेगा। हेलो, मैं वेद प्रकाश ढांडा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब है? कहाँ गए विजिट? गोल्डी प्लीज, कब आएंगे डॉक्टर? हाँ 15-20 मिनट के बाद। ओके, अरे डॉक्टर 15-20 मिनट के बाद आएंगे, क्या करेंगे? डंडा अंकल हमारे डांस कंपटीशन का क्या होगा? चलो इसे दूसरे डॉक्टर के पास ले चलते। अंकल एम्बुलेंस बुलाइए ना। हाँ एम्बुलेंस बुलाता हूँ। गोल्डी तुझे मेरी कसम है, उठ जा, हमारा डांस कंपटीशन है। डंडा अंकल अब हमारा क्या होगा? अरे 15 मिनट हो गए, अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं आई। गोल्डी प्लीज उठ जा। गोल्डी प्लीज, नहीं आई एम्बुलेंस। अंकल एम्बुलेंस का क्या हुआ, आधा घंटा हो गया, इस वक्त हमें डांस हॉल में होना चाहिए था, पर अब इस गधे को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे गोल्डी, क्या हुआ था तुझे? अंकल रात भर सोया नहीं था ना, तो मैंने सोचा डांस कंपटीशन के पहले थोड़ा आराम कर लूं, इसलिए अलार्म लगा कर मैं सो गया था। एनीवे चलो डांस शुरू करते हैं। गोल्डी